सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, फाइनली जो है एक न्यू अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। एंड ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ही है मैं बोलूँगा आप लोगों के, क्योंकि भाई यामा की तरफ से फाइनली एक न्यू गाड़ी जो है MT-15 का एक न्यू मॉडल जो है वो लॉन्च होने वाली है। कब तक लॉन्च होगी, क्या हम लोग इसमें फीचर्स मिलने वाले, एंड भाई सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को क्या लुक्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या इसमें हम लोगों को MT-07 से इंस्पायर्ड या इसका लुक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में फुल डिटेल्स में देने वाला हूँ। बस आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो दबा दीजिए एंड वीडियो को जो लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए गाइस, अभी हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये फोटो को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसमें जो है ये MT-15 है, इसका जो टेस्टिंग है इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो चुका है, एक ही फोटो अभी तक मिला है। लेकिन गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ हम लोग को डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू BS6 ओल्ड MT-15 जो अभी चल रहे हैं उसमें और इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, फ्रंट लुक तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन साइड से अगर हम आप लोग देखोगे तो ये सेम आप लोगों को MT-15 जैसा देखने को मिलेगा, MT-07 जैसा, इसमें कुछ भी लुक्स नहीं है। लेकिन गाइज ये टेस्टिंग बाइक है, ठीक है ना। सो ये साइड से हम लोग ये सोच सकते हैं कि जब गाड़ी लॉन्च होगी तब तक ये जो है फ्रंट लुक इसका चेंज हो जाएगा, मतलब कि टेस्टिंग के लिए सिर्फ USD सस्पेंशन एंड जो माइनर चेंजेस किए गए वहाँ उस चीज़ के लिए ना इसको टेस्टिंग के लिए वही MT-15 को ही लेके वो USD सस्पेंशन लगा दिया गया। लेकिन गाइज मैं बताना चाहूँगा कि MT-15 में हम लोगों को MT-07 जैसा ही लुक्स फ्रंट का मिलेगा, साइड लुक पीछे का लुक सेम रहेगा, टैंक में थोड़ा सा चेंजेस थोड़ा बहुत किया जाएगा, लेकिन गाइज फ्रंट लुक जो है हम लोगों को सेम MT-07 जैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग बात कर लें मेन चेंजेस की, तो इस गाड़ी में आप लोग देख सकते हो फ्रंट में जो टायर है उसका जो एलॉय व्हील्स है, एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा अलग है, मतलब कि अभी जो R15M या फिर MT-15 में जैसा मिलता है ना उस टाइप का एलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने को हम लोगों को नहीं मिलने वाला है, जैसे कि हम लोगों को MT-03 या फिर R3 में जिस टाइप का एलॉय व्हील्स है उसी टाइप का यहाँ पे एलॉय व्हील्स डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हो मिल रहे हैं हम लोगों को, जो कि काफ़ी मतलब कि स्टाइलिश लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग इसका लुक आ रहा है एलॉय व्हील्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एंड टायर साइज देख सकते हो आप लोग सेम है, 100 सेक्शन फ्रंट में, पीछे जो है 140 सेक्शन है। तो ये सिर्फ एक ही फोटो गाइस हम लोग को मिला है, लेकिन गाइस ये मतलब कि काफ़ी अमेजिंग ये लग रहा है यहाँ पे देख सकते हो। और एक बड़ी अपडेट जो किया गया यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, USD सस्पेंशन हम लोगों को मिलेगा, जैसे कि R15 वर्जन 4 अभी अभी जस्ट लॉन्च हुई है एंड R15M जैसा मिलेगा। एंड गाइज इसमें जो है हम लोगों को हैंडल वर्क थोड़ा सा मेरे को ऊपर से थोड़ा सा लग रहा है, हैंडल वर्क थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लग रहा है, देखते हैं यार जब जब लॉन्च हो जाएगी तब तक तब हम देख सकते हैं कि कैसा कुछ हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड भाई और एक बड़ी अपडेट है कि इसमें हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ पे शो नहीं कर रहे, देख नहीं पा रहे हैं हम लोग, लेकिन गाइस हम लोगों को सेम R15 वर्जन 4 एंड R15M जैसा ही देखने को मिलेगा, सेम फीचर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, हजार लाइट्स देखने को मिलेंगी एंड जो राइडिंग मोड्स वगैरह वो भी देखने को मिलेंगे एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो भी हम लोग को इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी सेम R15 वर्जन 4 जैसा ही, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, मैं बोल रहा था कि भाई MT-15 न्यू मॉडल आने वाले है, बहुत सारे में भाई लोग बोल रहे थे भाई तू झूठ बोल रहा है, ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। सो गाइस अभी देख लो MT-15 का न्यू मॉडल आने वाला है एंड गाड़ी काफ़ी अमेजिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, गाड़ी काफ़ी अमेजिंग दिखाई दे रही है। अगर हम लोग पीछे की साइड की बात कर लें, अभी यहाँ पे जो हम लोग को डुअल चैनल ABS मिलेगा पीछे की साइड, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग टायर के वो जो रिम के ऊपर है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है डुअल चैनल ABS गाइस हम लोग को यहाँ पे जरूर से जरूर मिलेगा MT-15 में। एंड गाइस जो फुटरेस्ट है वो हम लोगों को पीछे का जो फुटरेस्ट है उसको ध्यान से देखो, वो हम लोगों को MT-15 जो न्यू मॉडल आने वाले है वो हम लोगों को सेम R15 वर्जन 4 जैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि R15 वर्जन 4 में पीछे का लुक है उसी टाइप का यहाँ पे मिलेगा, ये हम लोगों को वोल्ट वाला मिलेगा, हम लोग इसको खोल भी सकते हैं या फिर उसके लगा भी सकते हैं, ठीक है ना।
सो और पीछे में हम लोग को ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइज और एक चीज़ है, इस गाड़ी में हम लोग को क्विक शिफ्टर मिलने वाला है, ठीक है, क्विक शिफ्टर मिलेगा, लेकिन जो ट्रैक्शन कंट्रोल है सभी वेरियंट्स में मिलेगा। इस गाड़ी में हम लोग को एक ही वेरियंट गाइज मिलेगा, सभी कलर्स में हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, लेकिन जो क्विक शिफ्टर है वो हम लोग को ऑप्शन की तरफ से मिलेगा। वो आप लोग 7,500 आई थिंक उसका प्राइस है, 6-7,000 उसका प्राइसिंग है, वो आप लोग ऑप्शनल की तरफ से लगवा सकते हो, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि टॉप मॉडल एक रहेगा जैसे कि R15M में, उस टाइप का यहाँ पे कुछ रहने वाला है। हम लोगों को सिर्फ एक ही मॉडल मिलेगा, लेकिन उसमें हम लोगों को ऑप्शनल की तौर से वो क्विक शिफ्टर मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर हम लोग एग्जॉस्ट की बात करें, एग्जॉस्ट हम लोगों को सेम मिलने वाला है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। वो जो ऊपर का जो काउल है एग्जॉस्ट में न्यू मफलर दिया गया था R15 में, उस टाइप का यहाँ पे एग्जॉस्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा, ऊपर का काउल हम लोगों को चेंज नहीं मिलेगा। सो यही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो है ये गाड़ी को सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस करके, मतलब कि USD सस्पेंशन वगैरह लगा के इस गाड़ी को अभी टेस्टिंग किया जा रहा है। जो गाड़ी जब लॉन्च होगी ना, तब भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो R7 से इंस्पायर यामाहा MT07 से इसका फ्रंट लुक जो इंस्पायर्ड होने वाला है, फुल जो फ्रंट लुक है इसका यामाहा MT15 से इंस्पायर्ड होगा। एंड जो है इसका जो एग्जॉस्ट है वो आप लोगों को सेम R15 version 4 R15M जैसा ही देखने को मिलेगा। एंड गाइस गाड़ी में जो हम लोगों को सारे वेरिएंट्स में एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। जो एक पहले जो मॉडल होंगे, मतलब कि जो मोटो जीपी एडिशन होगा वो तो जरूर से जो आने वाला है, एंड आई थिंक एक वाइट और ऑरेंज कलर वो होने वाला है, वो तो आई थिंक टॉप मॉडल होने वाले। एंड कलर्स में हम लोग को चेंजेस मिलने वाला है, ठीक है ना। जो व्हाइट और ऑरेंज है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा, लेकिन मोटो जीपी एडिशन वो सेम रहने वाला है। एंड दो तीन कलर ज़्यादा ऐड करने वाले हैं गाड़ी, ठीक है। सो अभी हम लोग अगर बात कर लें गाड़ी कब तक लॉन्च होगी, तो गाइस गाड़ी जो है इसी साल के एंड तक, नहीं तो उससे पहले भी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि टेस्टिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 महीने के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगी, मतलब आप लोग समझ लो दिसंबर के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। एंड गाइज ये जो है R15 version 4 जैसे इंडिया में पहले लॉन्च होगा, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होगा। एंड यामाहा की तरफ से गाइज काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बना दिया हूँ, काफ़ी सारे गाड़ियाँ जो है 2022 में जो आने वाली है उसके बारे में वीडियोस बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जरूर जाकर चेकआउट करना, फुल डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे का कुछ उसका प्राइसिंग रहने वाला है। एंड अगर हम लोग इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें, इसका जो प्राइसिंग है 10-15,000 ईजिली बढ़ जाएगा 1,49,000 या फिर 47,000 इसका एक शोरूम प्राइस था, आप लोग 1,60,000 अप्रॉक्स पकड़ लो इसका जो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा, एंड 1,80,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा। सो यही था कुछ अपडेट MT15 के ऊपर। आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो को जो लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो, या पसंद नहीं आए तब भी कर देना, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।